नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देख सकते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा यहां से टेक ऑफ करने वाले हैं अपने हेलीकॉप्टर से और लखनऊ पहुंचने वाले हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इटावा जनपद की। धूल आ सकती है इसलिए हम यहां पे शीशा जो है वो लॉक कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि जो उनका हेलीकॉप्टर है वो अब टेक ऑफ करेगा लखनऊ के लिए, यानी इटावा टू लखनऊ। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लखनऊ उड़ने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो आज इटावा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इसके अलावा जनसभा को जब संबोधित किया तो उन्होंने ये बात कही कि अब की बार अखिलेश यादव का जो गढ़ माना जा रहा है यहाँ पर भी जो है उनका बस नहीं चल पाएगा, यहाँ पर बसपा पूरी तरीके से सीट निकाल रही है। और एक मीडिया बातचीत में उन्होंने बताया कि अब की बार अखिलेश यादव का जो घर है वो भी तहस नहस मिलेगा, यानी उनको पूरा विश्वास है कि जो यहाँ की जो सीटें हैं जिसपे बसपा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मेहनत के साथ में, वो उसमें विजय हासिल होंगे। फिलहाल ये तो हो गई चुनावी बातें और यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में भीड़ भी मौजूद रही है और हम आपको ये पुलिस लाइन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की जो हेलीकॉप्टर है ये टेक ऑफ हो चुका है। देखिए ये एक्सक्लूसिव जो लखनऊ के लिए ये उड़ चुका है इटावा से और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको इस मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि लखनऊ के लिए ये टेक ऑफ हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी बात है कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर है इटावा से लखनऊ टेक ऑफ हो चुका है, क्या ये जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी टेक ऑफ हो पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी में? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो चुका है और धूल काफ़ी भारी संख्या में है, भारी मात्रा में उड़ रही है जिसके वजह से यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो दिख नहीं रहा और धूल से है। और ये हम आपको तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव दिखाने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ हो चुका है, हम अपनी कार में बैठे हुए हैं। फिलहाल आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल पे ये वीडियो देखी है और आप नए हैं तो इसी तरीके की आपको एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।